गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, आज जो अपन बात करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की, कुछ प्रॉब्लम्स रखी है मैंने आपके लिए, और केमिकल काइनेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं इनके क्वेश्चंस जो हैं नीट में पूछे गए, और मैं आपकी प्रिपरेशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ डेली आपके लिए लेके आता हूँ। आज फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं केमिकल काइनेटिक्स, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तीन क्वेश्चंस रखे और जो तीनों क्वेश्चंस हैं वो तीनों क्वेश्चंस नीट में पूछे गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन जो है वो मोस्टली बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से समझे इसको। क्या है देखो, यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है CH3CO CH3Br2 और इससे जो बढ़ रहा है CH3CO CH2Br बढ़ रहा है, यानी यहां से एक हाइड्रोजन हट रहा है और यहाँ पे एक Br जाके जुड़ रहा है और HBr बाहर हो गया, ठीक है, ये बढ़ रहा है। अब आपको ये दे रखा है, यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है CH3CO CH3 की है और Br2 की दे रखी है और H+ की दे रखी है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ Br2 ये दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, रेट लॉ पूछा है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। अब तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सुनो बच्चों, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, आपको क्या करना है, अगर आपको रेट पता करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, रेट आपको पता करनी है, तो रेट जो है यहां पर ये H+ मीडियम की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, तो रेट इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, ठीक है, इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, ठीक है, वो पता नहीं है पर वो क्या है, वो कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेशन अल्फा है और Br2 की कुछ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी मान लेते हैं वो बीटा है और H+ की कुछ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी मान लेते हैं वो गामा है, ठीक है, और ये अल्फा बीटा गामा को ये अपन को कैलकुलेट करना है। अब सुनो बच्चों, अगर आपको अल्फा को कैलकुलेट करना है तो आप ये देखो कि ये वाली टर्म्स जो है आपकी कॉन्स्टेंट बन जाए, इन दोनों टर्म्स को कॉन्स्टेंट कर दो, ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को कॉन्स्टेंट कर दोगे तो आप ये देखोगे यहां जिस इसमें जितना चेंज आ रहा है उसके हिसाब से रेट में चेंज देखोगे कितना रहा है, तो वो कैलकुलेट करोगे आप, इन दोनों को कांस्टेंट कर दो। अगर ये आप अल्फा कैलकुलेट करना चाहते हो, बीटा कैलकुलेट करना चाहते हो, तो ये और ये दो को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो, फिर इसका रिलेशन रेट के साथ देख लो क्या है, ऐसे अपन पता करेंगे। तो सबसे पहले चलो मैं बात कर लेता हूं H+ की, बात कर लेता हूं आपसे कि H+ जो रहेगा वो किस तरीके से रेट पे डिपेंड करेगा, तो H+ के रेस्पेक्ट में गामा कैलकुलेट करूं, गामा कितना आएगा, तो इन दोनों को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा मुझे, तो बनाओ। देखो कहां पे कांस्टेंट है, ये दोनों यहां पे कांस्टेंट है, यहां पे जरा देखो, यहां से यहां पे जा रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही। यहां पे भी कितना है बताओ, एक मिनट, ये लो ये वाला डाटा, एक बार यहां पे ये डाटा लो, ये दोनों को देखो एक बार, क्या यहां पे 0.30 यहां पे 0.30 है, कोई चेंज नहीं आ रहा, यहां पे भी चेंज करोगे यहां पे 0.10 है, कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है, मतलब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन यहां पे कांस्टेंट हो चुकी है। अब H+ देखो, H+ क्या हो रहा है, यहां से ये जा रहे हैं तो ये इंटू टू, ये टू टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 0.05 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 आएगा, तो मतलब H+ की कॉन्सेंट्रेशन जो है इन दोनों को कॉन्स्टेंट कर दिया, तो ये दोनों कॉन्स्टेंट हो गए, तो ये जो रहेंगे इसको खोलते हुए कैसे आएगा, R=K और CH3CO और क्या लिखेंगे यहां पर, CO और CH3 की पावर गामा अल्फा, ये कांस्टेंट हो चुका है और ये भी कांस्टेंट हो चुका है, तो ये कांस्टेंट है दोनों, तो मेरे को ये बताओ ये कांस्टेंट है दोनों, इस कांस्टेंट इन कांस्टेंट को इस K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो अब नया कांस्टेंट आ गया तो बच्चों इनको हटा दो और इनकी जगह एक नया कांस्टेंट लिख दो K-, ये हट गए पूरे पूरे, ठीक है, और क्या लिखोगे H+ की कॉन्सेंट्रेशन और क्या लिखोगे गामा, ठीक है। अब जरा देखो यहां से मैं लिख सकता हूं R प्रोपोर्शनल H+ की कॉन्सेंट्रेशन और गामा, ये पूरी कांस्टेंट हो चुकी है। अब देखो जरा यहां से देखो कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो ये भी कितना हो रहा है, ये भी डबल ही हो रहा है, काउंट करके देखो आप 5.7 × 10⁻⁵, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 5.7 × 2 करेंगे तो ये आएगा 11.4 × 10⁻⁵ आएगा, जिसको 1.14 × 10⁻⁴ लिख सकते हो, ये भी 2 टाइम्स हो रहा है, ये भी 2 टाइम्स हो रहा है, तो मेरे को ये बताओ यहां पर गामा की वैल्यू क्या पुट की जाए, कि गामा की वैल्यू यहां पर क्या पुट करूं, कि अगर मैं इसको 2 टाइम्स कर रहा हूं तो ये भी 2 टाइम्स हो जाए,
तो इस केस में गामा की वैल्यू जो है आप 1 पुट करो यहां पर, अगर 1 पुट करोगे तो R प्रोपोर्शनल H की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसको अगर 2 टाइम्स लगाओगे तो रेट भी अब क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। आपको ये सोचना है कि ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो जब रेट सॉरी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये भी 2 टाइम रेट इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे गामा की ऐसी फिर क्या वैल्यू पुट करूं कि इसको अगर मैं इंक्रीज करूंगा 2 टाइम तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे केस में गामा की वैल्यू को पुट करूंगा यहां पे 1 पुट करना चाहिए मुझे, 1 लेना चाहिए गामा की वैल्यू। अगर गामा की वैल्यू में 1 लूंगा तो उस केस में जो होगा ये जो होगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम करेंगे तो R भी क्या होगा 2 टाइम होगा। फिर चाहे कितने टाइम करो अगर इसको 9 टाइम इंक्रीज किया तो ये भी 9 टाइम इंक्रीज होगा। तो ये तभी स्टेटमेंट फॉलो हो सकता है जब क्या होगा, जब यहां पे गामा की वैल्यू 1 पुट करो तो आपके पास गामा आ चुका है, गामा आ चुका है आपके पास 1। अब आप बीटा निकालो, अगर आप बीटा निकालते हो तो आपको इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा, तो कांस्टेंट कर दो। तो कांस्टेंट करें तो देखो आर प्रोपोर्शनल इसको और इसको कांस्टेंट कर दिया, ठीक है ये कांस्टेंट करते ही के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी ये और एक नया कांस्टेंट आ जाएगा के डैश, ठीक है। और फिर यहां पर बी आर टू और क्या लिखेंगे आप बीटा। अब देखो कहां पे कांस्टेंट होगी इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन वो चेक करो, तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन यहां पे कांस्टेंट हो रही है। देखो एक बार यहां पे एक बार ध्यान से देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहां कांस्टेंट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है यहां पे कांस्टेंट है, ठीक है। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन मैंने कांस्टेंट कर दी इन दोनों की, और इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट करके इसको देखो मैं कितने टाइम इंक्रीज हो रहा है, 2 टाइम, ठीक है। और ये 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ये कितना इंक्रीज हो रहा है, इस पे देखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। देखो जरा कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि बताओ, यहां से यहां पे जाओगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, नो इफेक्ट, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट पे आता। और अगर यहां पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने कॉन्स्टेंट किया और फिर मैंने देखा कि बीआर टू की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया 2 टाइम्स तो यहां पर ये जो है रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो अब मुझे बीटा की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए कि अगर मैं बीआर टू की कॉन्सेंट्रेशन को कितना इंक्रीज करूं तो रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। ऐसा काम करना है अब आपको, देखो यहां से बीआर टू की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो और उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़े तो ऐसे केस में बीटा की वैल्यू क्या पुट की जाए कि बीआर टू कितनी भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स कितनी भी टाइम बढ़ाए ये नहीं बढ़े, तो ऐसे केस में बीटा की वैल्यू बताओ 0 पुट करनी चाहिए आपको। अगर बीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म्स 1 हो जाएगा, तो रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेट कांस्टेंट ही रहेगी आपकी, ठीक है। जब 1 आ जाएगा तो इसका मतलब कांस्टेंट रहेगी वो। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि आपके पास बीटा जो हो गया वो क्या हो गया, आपके पास 0 हो गया, मतलब बीआर टू की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी इंक्रीज करो उससे रेट इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो गामा 1 हो गया, बीटा आपके पास 0 हो गया। अब बात करते हैं किसकी बात करते हैं, अब अपन बात करेंगे, अब अपन CH3COCH3 की बात करेंगे। तो CH3COCH3 में इन दोनों को कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को आपको कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा। बीआर टू की तो चाहे करो चाहे मत करो क्योंकि तो इससे तो रेट को इफेक्ट पड़ेगी नहीं, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को देख लो, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कहां पे कॉन्स्टेंट है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कहां पे कॉन्स्टेंट है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को आपको कॉन्स्टेंट करना पड़ेगा। देखो आपको ये चाहिए CH3CO CH3 के रेस्पेक्ट में चाहिए ना आपको, तो एक काम करो आप यहां से ये देखो कि Br2 CH3CO CH3 जो है, एक बार मैं यहां से बात करूं, ये एक इसकी बात करूं, ठीक है, इस वाले की बात करूं, एक इसकी बात करूं और एक इसकी बात करूं, ठीक है। तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं, यहां से मैं ये देख रहा हूं कि ये जो है इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूं, यहां से ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है। और इधर से इधर चलो एक बार आप, ये भी आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और इधर से इधर चलो आप, ये भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक बार एक काम करो आप, बीआर टू से तो कोई लेना देना नहीं क्योंकि बीआर टू तो कितना ही बढ़ाओ उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आप ये देखो CH3COCH3 यहां से यहां जाने पर कितना इंक्रीज हो रहा है, एच प्लस यहां से यहां पर जाने पर कितना इंक्रीज हो रहा है, और ये यहां से यहां पर जाने पर जो है इंक्रीज हो रहा है कुछ जो भी है। तो एक काम कर सकते हो, इसको इसको और इसको लो आप,
ठीक है, BR2 को मत लो, क्योंकि BR2 के रेस्पेक्ट में बता दिया मैंने क्या हो रहा है यहाँ पर, बीटा जीरो आ रहा है, मतलब BR2 की कॉन्सेंट्रेशन को कितना ही चेंज करो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला रेट पर, तो फिर BR2 को छोड़ सकते हो, यहाँ पे छोड़ दो आप। तो सिर्फ ये लो CH3CO CH3RH+ लो और ये लो आप, ठीक है। अब आओ देखो यहां पे आओ, अब आप इस चीज को देखो, ध्यान से देखो, अब एक बात बताओ, यहां से यहां पे जा रहा हूं कितना हो रहा है इंक्रीज, मैं एक एक को लिख रहा हूं यहां पे, अगर मैं लिखता हूं CH3CO CH3 के रेस्पेक्ट में तो 0.30 अपॉन 0.40 ये लिखूंगा, और CH3CO CH3 जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूं, तो मैं यहां पर इसके रेस्पेक्ट में इसका अल्फा लिख दूंगा, ठीक है, अल्फा लिख दिया। अच्छा अब इसके रेस्पेक्ट में H+ के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, H+ के रेस्पेक्ट में गामा आएगा, गामा की वैल्यू 1 आ रही है, तो यहां पर देखोगे आप ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 0.05 अपॉन ये कितना आएगा 0.20, ठीक है, और यहां पर ही गामा, ठीक है, ये लिख सकते हो। मैं यहां पर दो रेट ले रहा हूं, एक रेट में ये ले रहा हूं, एक रेट ये ले रहा हूं, इस रेट के रेस्पेक्ट में बताओ मैं क्या लिखूंगा, H+ इतना लिखूंगा, और इस रेट के रेस्पेक्ट में क्या लिखूंगा, CH3CO CH3 इतना लिखूंगा। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख सकते हो आप, यहां पर 5.7 × 10⁻⁵ है ये, इसके रेस्पेक्ट में आप क्या लिखोगे बताओ, ये 0.30 लिखोगे इसकी रेट, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या लिखोगे बताओ, अल्फा लिखोगे, ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे, इनटू में 0.05 लिखोगे, इसके रेस्पेक्ट में गामा, गामा तो 1 है, ये तो ये कर दिया आपने। और अब आ जाओ किसके रेस्पेक्ट में, आप दूसरे वाले रेट आ जाओ, दूसरे वाले जो रेट है उसके रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे, और एक के लिखोगे, के कांस्टेंट लिखोगे, ठीक है, तो R = आप लिखते हो ना, R = K, और यहां पर क्या लिखोगे, इस जैसे ही लिख रखा है ऐसे, BR2 को छोड़ दो, BR2 को नहीं लेना, रेट की जगह रेट, इसकी जगह इसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसकी जगह उसकी कॉन्सेंट्रेशन, इस पे जो टर्म्स है वो स्पेस, ठीक है, ये लिख लोगे। अब दूसरी टर्म्स लो ये वाली इसके रेस्पेक्ट में, तो मैं डिवाइड कर देता हूं 3.1 × 10⁻⁴, और इसी में क्या आएगा, यहां पर आएगा के, ठीक है, के आएगा, इसका मैं जो लिखूंगा तो क्या लिखूंगा के, और इसके रेस्पेक्ट में बताओ इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.04 है, तो 0.40, और इस पे क्या लिखोगे अल्फा, ठीक है, अल्फा आएगा क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में अल्फा, और H+ के रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे, ये लिखोगे 0.0 और क्या लिखोगे यहां पे 0.2, ठीक है, 0.20, और ये 1 लिखोगे। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप, यहां से के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू अब आपको सॉल्व करना है, ये जो होगा इसको आप लिखोगे, ये आपका कट जाएगा, ये डेसिमल कट जाएगा, सॉरी, तो ये 3/4 बचेगा अल्फा, ठीक है, और ये कट जाएगा ये 4 से, तो × 1/4, ठीक है, और = ये 5.7 × 10⁻⁵, और ये 3.1 × 10⁻⁴। अब यहां से अल्फा आप निकालोगे, अल्फा जब निकालोगे तो 1 आएगा, आप सॉल्व कर लेना, अल्फा 1 आएगा, तो मतलब आपके पास अल्फा भी आ गया, ठीक है, अल्फा 1 आ गया, तो अब आप क्या बोलोगे बताओ, अब क्या बोलोगे आप, अल्फा आपके पास कितना है बताओ, 1, यहां 1 पुट करोगे, बीटा आपके पास 0 है, 0 पुट करोगे, गामा आपके पास 1 है, यहां पे 1 पुट करोगे, तो अब आप इसकी रेट लॉ क्या लिखोगे, इसका रेट लॉ जो अपन लिखेंगे वो लिखेंगे R = CH3CO CH3, और इसकी पावर क्या लिखोगे 1, और BR2, और इसकी पावर क्या लिखोगे 0, और H+ इसकी पावर क्या लिखोगे 1, ठीक है, ये लिखोगे। अब बताओ ऑर्डर क्या बोलेंगे इसकी, ऑर्डर जो है रेट लॉ ऐसे लिखा जाएगा, ये एक्सपेरिमेंटल है, तो एक्सपेरिमेंटल जो चीज लिखी जाती है वो रेट लॉ से लिखी जाती है, ऑर्डर इसमें क्या बोलोगे, इसके रेस्पेक्ट में 1, इसके रेस्पेक्ट में 0, और इसके रेस्पेक्ट में 1, तो ऑर्डर बोल देंगे 2 आ जाएगा इसका, तो इसका ऑर्डर जो है इस रिएक्शन का वो 2 बोला जाएगा, और इस रिएक्शन का रेट जो बोला जाएगा, रेट लॉ जो बोला जाएगा, रेट लॉ ऐसे लिखा जाएगा, ऑर्डर इसकी जो है ऐसे कैलकुलेट की जाएगी, सबको जोड़ दोगे इस तरीके से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, अब सेकंड क्वेश्चन की बात है, तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखेंगे एक बार, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाह रहा है, सेकंड क्वेश्चन को एक बार देखें, तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है, देखो A2+B2, आप एक काम करो, इस रिएक्शन का स्लो स्टेप कौन सा है, इस रिएक्शन का है स्लो स्टेप ये, ठीक है, तो इससे एक बार रेट लिखो, इससे एक बार रेट लिखते हैं,
तो क्या लिखेंगे R, और क्या लिखोगे R प्रोपोर्शनल, R प्रोपोर्शनल और क्या लिखोगे A की पावर क्या लिखोगे 1 लिखोगे और B2 की पावर क्या लिखोगे 1 लिखोगे, ये लिखोगे, ये स्लो स्टेप से लिखना है। तो देखो कोई भी रिएक्शन है उसकी रेट जो है आप स्लो स्टेप से लिख सकते हो। अब आप ये देखो कि आपने जो रेट लिखी है क्या ये सही है, ये सही नहीं हो सकती किसी भी हालत में, क्योंकि आपके पास रिएक्शन ये है और इस रिएक्शन में रिएक्टेंट ये है ए टू बी टू। कोई भी रिएक्शन आपको दी जाए, जैसे ये रिएक्शन दे कोई दूसरी रिएक्शन दे, किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं उन्हीं को रेट में लिखना पड़ता है। जैसे यहां पर आप लिखते हो तो इसकी रेट आर प्रोपोर्शनल ए टू, इसकी पावर कुछ होगी अल्फा, कुछ भी आ सकती है जो भी है, लेकिन रहेगा रिएक्टेंट ए टू, ये नहीं यहां से ए टू से बदल के ए कर दो आप, ठीक है। और ये जो बीटू है इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे आप कुछ भी, जैसे यहां पर बीटा लिखोगे, यहां पर बीटा की कुछ भी वैल्यू आ सकती है 0, 1, 2, 3 जो भी है, लेकिन रिएक्टेंट ही रहेगा बीटू यहां पर, ये थोड़ी यहां पर बीटू को छोड़ करके आप कुछ और लिख दोगे। अरे भाई जो आपके पास रिएक्टेंट है उनकी कॉन्सेंट्रेशन की कुछ पावर आएंगी, वो अल्फा हो सकती है बीटा हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है जो भी, वो देखनी पड़ती है। ये थोड़ी रिएक्टेंट को चेंज कर दोगे आप, रिएक्टेंट को चेंज नहीं कर सकते, रिएक्टेंट रिएक्टेंट ही रहेगा अपनी जगह पे। और स्लो स्टेप से इसका जो आप लिख रहे हो वो ये लिख रहे हो स्लो स्टेप से, देखो ये ए प्लस ए और बी टू लिख रहे हो स्लो स्टेप से, ये स्लो स्टेप से जो रेट लिख रहे हो फ्रॉम स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप से लिख रहे हो आप। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये सही है क्या, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ए टू आना चाहिए यहां पर ए की जगह, क्योंकि रिएक्शन के अंदर जो है वो ए टू बी टू है, रिएक्टेंट ए टू बी टू है, तो यहां पर ए टू बी टू ही आना चाहिए, उनकी पावर कुछ भी आ सकती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर ए टू आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। तो अब एक काम करो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ये जो फास्ट स्टेप है ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल स्टेप है ना, तो इस रिवर्सिबल स्टेप से आप के निकालो, के निकल सकते हैं, इक्विलिब्रियम रिएक्शन स्टेटस होगा तो के इज इक्वल्स टू ए की पावर टू लिखोगे, ए टू ए मतलब ए की पावर टू, अपॉन में क्या लिखोगे अपॉन में लिखोगे ए टू, अपॉन में ए टू लिखोगे, ठीक है, ये आपने लिख दिया अपॉन में ए टू आपको लिख देना है, दैट्स ऑल। ये आप लिखोगे ये के लिखोगे, अब सुनो यहां से मैं अगर पूछू आपसे ए की पावर टू है तो आप लिखोगे के ए टू, ठीक है ये लिखोगे, और ए इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ए इज इक्वल्स टू आप लिखोगे यहां से इसकी पावर 1/2, बताओ ये लिखोगे। अब यहां से के की वैल्यू उठाकर के क्या करोगे, जो आपने स्लो स्टेप से लिखा है ना, ये जो आपने लिखा है ना स्लो स्टेप से, इस स्लो स्टेप में क्या करोगे यहां पर ए की वैल्यू क्या कर दोगे, इसमें पुट कर दोगे, ए की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है, और ए की वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो क्या लिखोगे आर इज इक्वल टू इसका एक कांस्टेंट के, ठीक है, और ए की वैल्यू उठा करके पुट कर दो ये के, और ए टू की पावर क्या ये 1/2, ठीक है, ये ए की वैल्यू पुट कर दी और बी टू और इसकी पावर क्या 1, ठीक है। अब देखो जरा यहां से भी एक के आ रहा है, यहां पे भी के की पावर 1/2 आ रहा है, तो इस के को इस ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा के डैश, और ये तो ए टू रहेगा और इसकी पावर 1/2 रहेगी, और ये बी टू रहेगा और इसकी पावर क्या रहेगी 1। अब आप देख लो कि जो अपने पास रिएक्टेंट है उसी के टर्म्स में रेट आ रही है क्या, रिएक्टेंट ए टू बी टू है, रिएक्टेंट ए टू बी टू है, इनके टर्म्स में रेट आ रही है, ठीक है, इनके टर्म्स में ही यहां पर क्या आ रही है पावर आ रही है, तो अब सही है। अब यहां से सही है तो यहां से अल्फा की वैल्यू जो आप देखेंगे वो कितनी आ रही है यहां पर 1/2, और बीटा की वैल्यू जो आ रही है यहां से वो कितनी आ रही है 1 आ रही है, मतलब ए टू के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर आएगी 1/2 और बी टू के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर आएगी वो 1 आएगी, और टोटल ऑर्डर बोलेंगे तो टोटल ऑर्डर क्या बोलोगे आप, टोटल ऑर्डर बोलोगे इसके रेस्पेक्ट में 1 और उसके रेस्पेक्ट में 1/2, तो 3/2 ऑर्डर है सही, ये टोटल ऑर्डर आएगी रिएक्शन की, या ये बोल सकता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे ये 3/2। क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी नीट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, नीट में ये भी नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, और आईआईटी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इस तरीके से इसको क्या करना है सॉल्व करना है। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे आओ, तो थर्ड क्वेश्चन पे मैं बात बताता हूं आपको, सुनो जरा ध्यान से, पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर इसको सॉल्व करके बताऊंगा आपको। तो सुनो, मान लेते हैं कि
ए कोई रिएक्टेंट है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, ये मान लो ए से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है आपकी कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो सुनना बात को ध्यान से समझना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए की जो है वो ए नॉट है, ठीक है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। अब बताओ ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर टी हाफ की बात कही जाए, टी हाफ मतलब टी हाफ वो टाइम होता है जिस पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन आधी रह जाएगी। टी हाफ कौन सा टाइम होगा, वो टाइम होगा जिस पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, आधी हाफ रह जाएगी, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन अभी कितनी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, और टी हाफ एक टी हाफ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो हो जाएगी वो ए नॉट अपॉन टू हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। एक और अगर टी हाफ अगर इस पे पास करवाया जाए, मतलब एक हाफ लाइफ और पास करवाई जाए, तो फिर क्या होगा, एक हाफ लाइफ और अगर पास करोगे तो फिर क्या होगा। देखो एक टी हाफ पर इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, जितनी इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसकी आधी रह जाएगी। अब एक और हाफ लाइफ पर क्या होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अभी इतनी है, एक और हाफ लाइफ पर इस कॉन्सेंट्रेशन की आधी रह जाएगी। इस कॉन्सेंट्रेशन की आधी रहने का मतलब है ए नॉट अपॉन में क्या लिखेंगे, फोर लिखेंगे। इसकी आधी कितनी होती है, ए नॉट अपॉन फोर होती है इसकी आधी। अगर एक और हाफ लाइफ पास करते हो आप, ठीक है, एक और हाफ लाइफ, तो जितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन है उसकी फिर आधी रह जाएगी, तो क्या रह जाएगी बताओ, ए नॉट अपॉन में एट रह जाएगी, ठीक है। ये लिखोगे आप, तो मतलब दो टी हाफ आपके निकल गए, एक टी हाफ यहां से यहां पे जाने पर, एक टी हाफ यहां से यहां पे जाने पर, दो टी हाफ यहां पे निकले, और दो टी हाफ निकलने पर क्या हुआ, दो टी हाफ निकलने पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट की कितनी रह गई, ए नॉट अपॉन फोर, मतलब 75% ये कंज्यूम हो चुका, बच कितना गया, ये 25% बच गया। ए नॉट था तो ये 100% है, ए नॉट अपॉन फोर ये बच गया, तो ये 25% बच गया और 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो 75% यहां पर बोलेंगे रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से यहां पे जाने पर 75% जो टाइम लग रहा है टी 75% वो इक्वल लिख सकते हैं, टू टी हाफ के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, टू टी हाफ के इक्वल लिख सकते हो। तो बस अब आपका क्वेश्चन हो गया, सुनो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 75% जो है उसका कंप्लीट हो रहा है 32 मिनट में, मतलब 75% कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है वो 32 मिनट लग रहा है। तो आपसे क्या पूछा है, टी हाफ पूछा है कितना होगा, तो बस टी हाफ यहां से निकालोगे, टी हाफ कितना हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा आपका 16 मिनट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 16 मिनट हो जाएगा आपका टी हाफ। तो आप एक काम कर सकते हो, यहां से एक आप काम कर सकते हो कि कुछ भी आपको टाइम पूछे, कुछ भी टाइम पूछे आपको, तो ये एक काम कर सकते हो, जैसे यहां पे ए नॉट था, ए नॉट से ए नॉट अपॉन एट रहेगा, ए नॉट से कितना रह रहा है, यहां पे ए नॉट अपॉन एट रह रहा है, जैसे यहां से ए नॉट अपॉन फोर रह रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप ये लिख सकते हो टू की पावर, मतलब कितना रह गया, टू की पावर ए नॉट तो था ही यहां पे, और ए नॉट पर नीचे लगा देंगे, दो टी हाफ पास होगी तो यहां पर लिखोगे टू की पावर एन, ऐसे लिख दोगे, तो दो टी हाफ गुजरेंगे तो यहां पर एन की वैल्यू टू डाल दोगे, तो कितना रह जाएगा, यहां पर रह जाएगा टू की पावर टू, मतलब ए नॉट अपॉन फोर रह जाएगा। तीन टी हाफ पास होंगे तो यहां पर क्या करोगे, यहां पर आप डाल दोगे तीन डाल दोगे, तो तीन डालोगे तो टू की पावर थ्री हो जाएगी, टू की पावर थ्री होगी तो ए नॉट अपॉन में क्या रह जाएगा, एट रह जाएगा। मतलब अगर nth हाफ लाइफ पास होती है तो nth हाफ लाइफ पर कितना बचेगा, एक शॉर्ट ट्रिक आप याद रखोगे, कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर nth हाफ लाइफ, अगर nth हाफ लाइफ पास हो गई, ठीक है, तो nth हाफ लाइफ में जैसे दो हाफ लाइफ पास हुई, तीन हाफ लाइफ पास हुई, जो भी है, ठीक है, तो मान लेते हैं nth हाफ लाइफ पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की बचेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर nth हाफ लाइफ, तो आप लिखोगे ए नॉट उसकी इनिशियल थी, उस पर क्या लिखोगे, टू की पावर n लगा दोगे डिवाइड में। तो अगर मान लो nth में आप जैसे लेते हो टू टी हाफ ले रहे हैं,
मतलब दो टी हाफ पास हो गया टाइम, तो कितनी बचेगी, ए नॉट अपॉन एन की जगह यहाँ पर टू रख दोगे, टू की पावर टू कितना हो जाएगा फोर, मतलब कितनी बच जाएगी, ए नॉट अपॉन फोर बच जाएगी। तीन टी हाफ पास हो गए तो ए नॉट अपॉन टू की पावर थ्री लिखोगे तो ए नॉट अपॉन एट बच जाएगी, ऐसे आप लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला, ये चीज है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे बस, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तीन अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लिए मैंने आपके लिए, और जो अक्सर नीट और आईआईटी में पूछे जाते हैं, और नीट और आईआईटी का एग्जाम आपके आने वाले हैं, और मेरी तरफ से नीट एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और जो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं उनको आईआईटी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम जल्दी हो। नीट का एग्जाम जो है अगस्त में होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हो सकता है मैक्सिमम जो है वो सितंबर में भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी आप ये मान के चले कि 1 अगस्त से होगा। आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करके रखें, दैट्स ऑल, यही कहना चाहूंगा आपसे। और अगर मैं वही बात बोलूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।